तो लाइटर अभी चूंकि गर्म है तो इस टाइम पर चलिए हम कर लेते हैं इस लाइटर की क्लीनिंग। क्लीनिंग करने के लिए मैंने लिए हैं लेमन के छिलके। लेमन के छिलके हमेशा मैं अपने घर में रखती हूँ इस तरह की क्लीनिंग के लिए। तो लेमन के छिलकों को कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से लेकर और लाइटर पर रगड़ दीजिए। दोस्तों यहाँ पर हम किसी पानी किसी विनेगर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि लाइटर में अगर कोई लिक्विड चला जाए तो भी ये काम नहीं करेगा, इसलिए मैं यहाँ पर लेमन पील का यूज कर रही हूँ। और लेमन पील को लेकर आपको लाइटर के सारे पार्ट में अच्छे से रब करना है। रब करने के बाद आप देखेंगे कि इसकी जो गंदगी है वो कितनी आसानी से निकल जाती है। ज्यादातर इसकी जो गंदगी होती है वो जो लाइटर है उसके नॉब पर होती है, नॉब साइड पर होती है, वहीं पर थोड़ी सी गंदगी ग्रीसिंग से जमा होती है। उसके बाद से मैंने लिया है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर से हम क्या करेंगे कि लाइटर को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं टिश्यू पेपर से ही इसको पोंछ रही हूँ, आप किसी कपड़े से भी ये पोंछ सकते हैं। टिश्यू पेपर मैंने इसलिए लिया है कि जिससे आपको मैं दिखा सकूं कि लाइटर से कितनी ज्यादा गंदगी निकली है। नॉब पर अभी थोड़ी गंदगी और है, इसे भी आप पेपर से रगड़ लें। और अभी आप देख रहे हैं पेपर की हालत क्या हो गई है, पेपर की हालत बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है, यानी कि लाइटर से बहुत ज्यादा गंदगी निकली है। और बस उसके बाद से जहां आपको लगे कि वापस से थोड़ी गंदगी है तो आप लेमन पील को वापस रगड़ सकते हैं। यहाँ पर ना कोई पानी, ना कोई डिटर्जेंट, ना ही कोई विनेगर, ना ही किसी सोडे का यूज करना है। बहुत सिंपल तरीके से हमको यहाँ पर लाइटर की क्लीनिंग करनी है। और लाइटर का नॉब का जो हिस्सा है उसे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रगड़ दें और इसके अंदर भी टिश्यू पेपर डालकर हम इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं नॉब के जगह पर थोड़ी सी मुझे ग्रीसिंग ज्यादा लगी, चिकनाहट थोड़ी सी और थी। मैं यहाँ पर वापस से इन पील को रगड़ दूंगी तो ये भी गंदगी बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी। तो इस तरीके से महीने में एक बार आप अपने लाइटर की क्लीनिंग कर सकते हैं। और नॉब के पास वाला हिस्सा जहाँ से हम लोग जलाते हैं वहां पर आप टिश्यू पेपर डालकर अंदर इसकी क्लीनिंग कर लें तो बहुत बढ़िया से इसकी सफाई हो जाती है। या यहाँ पर इस जगह की आप सफाई ईयरबड से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ईयरबड्स हैं तो उनसे भी आप साफ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पेपर डाल डाल कर ही इसकी क्लीनिंग कर लूंगी क्योंकि ये मेरी आदत है, महीने में एक बार मैं इसे क्लीनिंग करती हूँ। आप देख रहे हैं बहुत सारी गंदगी निकल कर बाहर आ रही है। तो कुछ इस तरीके से आप भी लाइटर को क्लीन कर सकते हैं। लाइटर बस 2 मिनट में एकदम नया जैसा हो जाता है, फटाफट से ये क्लीन होता है और देखने में अच्छा लगता है। जब कभी आपके किचन में कोई गेस्ट आ जाए तो उन्हें ये नहीं लगेगा कि आपने कैसे किस तरीके से चीजों को रखा हुआ है। लीजिए हमारा लाइटर बहुत सुंदर हो गया, बहुत क्लीन हो गया, एकदम नया सा हो गया। तो है ना दोस्तों ये कमाल की टिप।